में आपका स्वागत है। मैं आपको भारत का संवैधानिक विकास है, पिछले 3-4 वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक उसको पहुंचाया है। आज मैं आपको इस टॉपिक के अंदर इसका जो अंतिम भाग है अर्थात बेवेली योजना था, कल हमने पढ़ा था, अंतरिम सरकार का गठन भी हमने कल कर लिया था। आज मैं आपको इस योजना, इस टॉपिक के अंदर जो माउंटबेटन योजना है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने जा रही हूँ। तो आज का जो हमारा इसके अंदर टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये जो माउंटबेटन योजना है इसका जो गठन है, माउंटबेटन योजना इसका जो गठन है वो 3 जून 1947 को किया गया। माउंटबेटन योजना का गठन है 3 जून 1947 को किया गया। और माउंटबेटन योजना के जो अध्यक्ष थे, माउंटबेटन योजना के जो अध्यक्ष थे वो हमारे लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखना फ्रेंड्स, इस समय लॉर्ड माउंटबेटन था वो अपने भारत का गवर्नर जनरल बनकर के भारत आया था। देखते हैं हम इससे पहले कि कल हमने अंतरिम सरकार के बारे में पढ़ा था और उस अंतरिम सरकार में जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको बुलाने का विरोध किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। लिखते हैं उसको कि अंतरिम सरकार में, अंतरिम सरकार के गठन के समय, अंतरिम सरकार के गठन के समय नेहरू जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के समय जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित करने का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। मुस्लिम लीग ने विरोध किया, विरोध किया। इंपॉर्टेंट तथ्य है कि जब अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसके अंदर उपाध्यक्ष बना दिया तो मुस्लिम लीग ने इस बात का काफी विरोध किया। और 16 अगस्त, इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान रखना फ्रेंड्स, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। और इस दिवस को मनाए जाने के पीछे रीजन था कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको अंतरिम सरकार के अंदर जो उपाध्यक्ष का पद दिया था वो। और ध्यान रखना कि इसके बाद भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए। जब जवाहरलाल नेहरू को उसके अंदर शामिल कर लिया था उसके बाद हमारे भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए। 3 जून 1947 को जिस माउंटबेटन योजना का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये योजना बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता रही हूँ कि जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसमें उपाध्यक्ष बना दिया, इस बात का विरोध किया था मुस्लिम लीग ने। और इसी कारण 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। उसके बाद भारत में सांप्रदायिक दंगे हुए। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ, देखिए इसमें ऊपर वाले को पॉइंट को जैसे कैसे हमें लिखे रहने देना है, उसको हमें हटाना नहीं है क्योंकि हमारा वही टॉपिक चढ़ने वाला है। देखिए जो ये मुस्लिम लीग ने
विधानसभा की प्रथम बैठक में भी भाग नहीं लिया, प्रथम बैठक में भी भाग नहीं लिया। याद रखना है आपको इस पॉइंट को कि जो मुस्लिम लीग थी उसने संविधान सभा की पहली बैठक में भी भाग नहीं लिया। तो ध्यान रखना है आपको कि तत्कालीन परिस्थितियों से क्लीमेंट जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था एटली, उसने सोचा कि अब जो ये गवर्नर जनरल है जो इस समय, उस व्यक्ति को हटा देना चाहिए और उसकी जगह नए गवर्नर लाया जाना चाहिए। तो ध्यान रखना कि ब्रिटिश पीएम, इस समय ब्रिटिश पीएम था एटली, ब्रिटिश पीएम एटली ने परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संपन्न हुई। इस समय
ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अपने जेबी कृपलानी। याद रखना इसी बैठक में ऊपर लिख देती हूँ आपको, इसी बैठक में को
इसे 15 जुलाई को इसे कॉमन सभा ने स्वीकृत किया। 4 जुलाई को तो पेश किया गया था और 15 जुलाई को इसे कॉमन सभा ने स्वीकृत कर दिया। आगे ध्यान रखना कि 15 जुलाई को तो कॉमन सभा ने स्वीकृत किया और ठीक अगले दिन अर्थात 16 जुलाई को जो दूसरा सदन था इसका, जिसका नाम था हाउस ऑफ लॉर्ड ने स्वीकृति दी। 15 जुलाई को तो कॉमन सभा ने स्वीकृत किया और ठीक उससे अगले दिन इसे लॉर्ड सभा ने स्वीकृति दी। याद रखना, यदि इस अधिनियम का पारित होने का पूछ लिया जाए, यदि नियम हमें पारित होने का यदि पूछ लिया जाए कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित हुआ था, तो याद रखना है आपको 18 जुलाई 1947। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की जो रूपरेखा है, इसके बारे में जो विचार है, वो 15 जुलाई को इसे कॉमन, 4 जुलाई को कॉमन सभा में समक्ष रखा ब्रिटिश पीएम ने, 15 जुलाई को कॉमन सभा ने इसे स्वीकृत कर दिया, 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड ने स्वीकृति दे दी और उसके मात्र 2 दिन बाद ही 18 जुलाई 1947 को इसे पारित कर दिया गया। उसके बाद देखते हैं हम कि हमारा देश आजाद हुआ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के नाम से 2 डोमिनियन स्टेट बनाए गए। लिखने हैं 15 अगस्त 1947 भारत व को 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के नाम से 2 डोमिनियन स्टेट बनाए गए। ये बात है फ्रेंड्स 15 अगस्त 1947 की। याद रखना, इसी अधिनियम के द्वारा भारत का प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। हमने देखा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ही आजादी के बाद जो भारत का पहला पीएम बना था वो बना था जवाहरलाल नेहरू। आगे आपको 2 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट याद करने हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम पहला गवर्नर जनरल वो बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन। और याद रखना इसके साथ ही कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये बनाया गया था फ्रेंड्स श्री राज गोपालाचारी। पहला गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन था और भारतीय व्यक्ति पूछ ले तो वो था श्री राज गोपालाचारी। इसी के साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि पाकिस्तान का पहला पीएम किसको बनाया और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया, पाकिस्तान का पहला पीएम कौन बना और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। ध्यान रखिए कि जो ये था, क्या नाम उसका, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद
पूरा लिख देते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो बना था पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री, और जो लियाकत उल्टा लिख दिया, ये तो बना था गवर्नर जनरल, और जो पाकिस्तान का पहला पीएम बना है वो बनेगा लियाकत अली, यानी गवर्नर जनरल तो जिन्ना बना है और लियाकत अली को वहां का प्रधानमंत्री है जो बनाया गया था। इसके साथ ही फ्रेंड्स एक चीज और याद रखना है, ये कहा कि जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता, संविधान नहीं बने जाता, तब तक भारत में इंपॉर्टेंट तथ्य है, क्योंकि संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही है जो हम कल पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को, जब तक भारत का संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत में 1935 के अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत कार्य किया जाएगा। जब तक भारत में अपना संविधान का निर्माण पूरा हो जाता है तब तक 1935 के अधिनियम के तहत ही काम किया जाएगा, याद रखना। आगे इसके अंदर जो हुआ आजादी के बाद में, आजादी से पहले ब्रिटिश क्राउन का हमारे यहाँ कब्जा था, उस ब्रिटिश क्राउन के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया, याद रखना, ब्रिटिश क्राउन के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया, ब्रिटिश क्राउन के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया, और ये ब्रिटिश क्राउन का जो प्रभुत्व था, याद रखना, देसी रियासतों पर खत्म किया गया था, देसी रियासतों पर, इंपोर्टेंट लगता है कि देसी रियासतों पर जो ब्रिटिश क्राउन का प्रभुत्व था उसको समाप्त कर दिया गया, और ये जो देसी रियासत थी इन्हें भारत व पाकिस्तान किसी में भी मिलने की छूट दे दी, छूट दे दी कि रियासतें हैं वो भारत और पाकिस्तान किसी भी देश में मिल सकती है, याद रखना। भारत मंत्री का पद भी समाप्त कर दिया गया, भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया। इस समय भारत में 565 देसी रियासत थी, उनमें से 562 ने तो भारत में मिलना स्वीकार किया, लेकिन 3 रियासत ऐसी थी जिन्होंने भारतीय संघ में मिलने से इनकार कर दिया था। देख रहे हैं हम कि इस समय भारत में रियासत, इंपोर्टेंट तथ्य है वो थी फ्रेंड्स 565, याद रखना 562 रियासत भारत में मिल गई, भारत में मिल गई, 562 रियासतों ने तो भारतीय संघ में मिलने की स्वीकृति दे दी, लेकिन याद रखना कि जो 3 रियासत थी, 3 रियासतों ने, 3 रियासत पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी, शामिल होना चाहती थी, वो 3 रियासत कौन कौन सी थी देखते हैं हम। एक नंबर पे जम्मू कश्मीर, एक नंबर पे रियासत है जम्मू कश्मीर, 2 नंबर पे रियासत है जूनागढ़, और याद रखना फ्रेंड्स 3 रियासत है
हैदराबाद अर्थात जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, इन्होंने भारतीय संघ में मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन हमने देखा कि अंततः ये तीनों रियासत भी अपने भारत में शामिल हुई। तो ध्यान रखना, इन तीनों रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाए गए थे। देखते हैं हम कि कौन कौन से अभियान चले। याद रखना, जूनागढ़ में तो जनमत संग्रह कराया गया था, हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही के द्वारा, पुलिस कार्यवाही के द्वारा, और जम्मू कश्मीर में विलय पत्र के द्वारा, विलय पत्र के द्वारा, और अंत में ये, अंततः ये भारत में शामिल हुई। लेकिन बहुत सारा टाइम, जैसे बहुत सारी मशक्कत के बाद में इन तीनों रियासत को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। एक चीज और याद रखना कि दो सीमा आयोग भी बनाए गए थे इस समय, एक पंजाब सीमा आयोग था और एक बंगाल सीमा आयोग था, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि उनको हम आसानी से पढ़ चुके वो पढ़ सके। आज जो तीन चार दिन से हमारा ये टॉपिक चल रहा था भारत का संवैधानिक विकास, वो अपना तीन चार दिन से हमारा जो टॉपिक चल रहा था भारत का संवैधानिक विकास, उसको हमने भारत की आज़ादी मिल गई उसको मेन तथ्य लिख करके समाप्त कर दिया है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी। और साथ में आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यदि आपका आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने मित्रों के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।